और दोस्तों मैं अल्पेश जोशी स्वागत है एक बार फिर आपके बीच में एक नया हस्तरेखा का वीडियो लेके। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आप लोगों ने कुंडली दिखवाई हो किसी को या कुंडली देखी हो तो उसमें भी राजयोग होते हैं, कुछ धन योग होते हैं, कुछ महान राजयोग होते हैं, ऐसे हमारी हथेली में भी राजयोग बनते हैं। तो मैं आपको 5 ऐसे चिन्ह बताऊँगा अगर आपकी हथेली में, तो आपको राजयोग आपकी लाइफ में बनता ज़रूर है। अब उसको आप किस तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से उसका फ़ायदा लेंगे, गेन लेंगे उससे, वो आपके ऊपर निर्भर, आपकी मेहनत पर डिपेंड होता है। अगर आपके स्क्वायरिस हैंड है तो सबसे हथेली में सबसे अच्छा हाथ माना जाता है स्क्वायरिस हाथ, और रेक्टेंगुलर हाथ की भी अपनी विशेषताएँ होती है, पर उसमें ये चिन्ह अलग तरीके से काम करते हैं। हाथ की त्वचा भी बहुत मेन होती है, अगर लाल हथेली और उसमें वाले तो ये राजयोग कारक चिन्ह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। देखिए अगर आपके हाथ में सबसे पहले एक क्रॉस है, वो भी मस्तिष्क हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में, तो ये क्रॉस कोई भी राजयोग से नीचा क्रॉस नहीं होता, ये सर्वश्रेष्ठ राजयोग कारक चिन्ह होता है। ये व्यक्ति को अच्छी एक क्वालिटी देता है, कम्युनिकेशन स्किल देता है बहुत बेहतरीन, लीडरशिप क्वालिटी देता है, गवर्नमेंट जॉब देने की भी क्षमता रखता है यह चिन्ह, और ये चिन्ह व्यक्ति को लाइफ में प्रोग्रेस दिलाता है। 24 साल के बाद पूरी लगातार व्यक्ति 28 साल तक प्रोग्रेस अच्छी कर सकता है, ठीक है। अब एक और चिन्ह है, वो है फिश का निशान, मैं बहुत वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, पर वो फिश का निशान अगर आपके चंद्र पे है तो व्यक्ति को राजयोग कारक हो जाता है ये चिन्ह। अगर चंद्र पे बनता है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग तो करवाता ही है, प्लस बहुत अच्छी थिंकिंग पैटर्न देता है, बहुत अच्छा माइंड सेट देता है, व्यक्ति पॉजिटिव थिंकर होता है, व्यक्ति अच्छा कलाकार बन सकता है, डीप थिंकर होते हैं, तो रिसर्च में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, साइंटिस्ट लोगों के हाथों में भी मैंने ये चिन्ह पाए हैं, और ऐसे लोग बड़े पद पर मैंने पहुँचते हुए देखे हैं। और जो तीसरा चिन्ह है दोस्तों, वो है हमारे गुरु पर्वत पर, यानी कि स्क्वायर का चिन्ह, ये भी एक राजयोग कारक चिन्ह होता है, व्यक्ति के अंदर मान प्रतिष्ठा दिलवाता है व्यक्ति को, 22 साल के बाद उसके जीवन में उसको प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं। ये अगर गुरु पर्वत उठा हुआ और लाली मलिए हो और स्क्वायर का चिन्ह बनता हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन धान वैभव यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त होती है, सरकार से भी, या अगर वो सरकारी नौकरी में, अगर प्राइवेट जॉब में हो उधर भी अच्छा नाम कमाता है। चौथा जो चिन्ह है दोस्तों, वो है हमारा शुक्र पर्वत पे, जिसे मैं आपको बताऊंगा, वो है फ्लैग। ये बहुत कम आप देखना, बहुत लोगों के कम ही हाथों में बनेगा फ्लैग शुक्र पर्वत पे, पर जिसके हाथ में बनेगा ऐसे व्यक्ति को सुंदर बीवी, सुंदर जीवन साथी, सुंदर व्यक्तित्व का मालिक होता है, अट्रैक्शन पावर बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति को, ये भी राजयोग कारक होता है, व्यक्ति को बचपन से ही अच्छी फैसिलिटीज़ देता है, ऐसे व्यक्ति अच्छे खानदान से बिलोंग करता है और अच्छे सुख सुविधाओं में पला हुआ होता है और सुख सुविधाएं प्राप्त करता है जीवन में। अब जो एक और लास्ट चिन्ह है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपका मंगल पर्वत लालिमा युक्त है, आपकी जीवन रेखा अच्छी है, मंगल से चुपक के चल रही है, उसके साथ साथ आपके मंगल पर्वत पर एक स्टार का चिन्ह बन जाए, ये व्यक्ति के अंदर अच्छा स्टेमिना विल पावर, प्लस ऐसा व्यक्ति फौज प्रशासन बड़ी सेवाओं में पाए जाने वाला व्यक्ति पॉलिटिशियन में मैंने देखा है, ये भी एक राजयोग कारक चिन्ह होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।